सर दोस्तों वेलकम बैक। आज है मेरे पास ट्रूक बर्ड्स क्लैरिटी 5। मैं काफी टाइम के बाद इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ क्योंकि भाई इन्होंने कहा है कि इसमें आपको 6 माइक देखने को मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा मतलब कीड़ा सा आ गया कि इस बार सच में देखा जाए इसको खोल के कि क्या इसके बर्ड्स में 6 माइक है या बस ऐसे ही लिख देते हैं। तो वो आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, है या नहीं है। वैसे लुक में देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है, आप देख सकते हो भाई लुक्स में मस्त है। और अगर फीचर्स देखा जाए तो भाई फीचर्स में भी फुल्ली लोडेड है क्योंकि 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, साथ ही में एसी ब्लूटूथ कोड सपोर्ट करता है जिस वजह से साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 इको मोड देखने को मिल रहा है अलग अलग स्टेजेस के लिए, बेस के लिए बेस बूस्टर, मूवीज के लिए डायनामिक मोड, और बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए 35 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी भी है इसमें, और डुअल डिवाइस सपोर्ट करता है, बोले तो आप एक ही साथ 2 डिवाइस में इसे कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो 2 मोबाइल हो, लैपटॉप मोबाइल हो या फिर पीसी मोबाइल हो। और इसमें आपको 80 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक सुनने को मिल रहा है क्योंकि इसके केस में है 500 एमएएच का लार्ज बैटरी, और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है जिसके हेल्प से 10 मिनट चार्ज करके 10 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया है, ऐसा नेकबैंड में होता है लेकिन भाई एयरबड्स में नहीं होता है क्योंकि एयरबड्स में बर्ड्स भी चार्ज करना होता है और साथ ही में केस भी चार्ज करना होता है, तो इतनी जल्दी इतना चार्ज नहीं हो सकता। और 13mm के लास्ट ड्राइवर का इस्तेमाल कर रखा है फॉर बेटर बेस। और हाँ, इसमें आपको IPX4 IPX5 का कोई भी वाटर रेटिंग नहीं मिल रहा है, कोई भी वाटर रेटिंग नहीं है, तो भाई पानी से थोड़ा सावधानी से ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ 2 कलर्स में ही अवेलेबल मिल रहा है, आप देख लो आपको कौन सा पसंद है। और आज के दिन इसका प्राइस चल रहा है 1200 रुपीज, तो भाई वही देखेंगे अपने वीडियो में कि क्या ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या फिर छोड़ देना चाहिए, दूसरा लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर आपको ट्रूक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साइड में क्लैरिटी 5 को प्रिंट कर रखा है, और बॉक्स के सराउंडिंग में सिर्फ ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है जैसे एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, एमआरपी प्राइस, और केस के ऊपर के साइड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्वर को भी प्रिंट किया है जो कि प्रूफ करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ प्रोडक्ट टेस्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप ये हॉलमार्क जरूर देखना, आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं दोस्तों। और पीछे की तरफ सिर्फ ब्रांडिंग है, पीछे का डब्बा उल्टा पुलटा हो गया, आगे क्या बताऊं, खोल लेते हैं। तो ये है अपना बर्ड्स, साइड रखते हैं, देखते हैं अंदर और क्या है। तो यह है कुछ पेपर वर्क, यह है यूजर मैनुअल जिसके अंदर थोड़े फंक्शन को थोड़े फीचर्स को प्रिंट कर रखा है, और यह वारंटी कार्ड, यहाँ पर 5 स्टार देने का रिक्वेस्ट कर रहा है, और पीछे फॉर्म है, भर लेना अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। और एक्सेसरीज में है, यह है 2 जोड़ी 8 टिप्स लार्ज एंड स्मॉल मीडियम साइज का बर्ड्स पे लगा है, और यह टाइप सी चार्जिंग केबल, क्वालिटी काफी बढ़िया है लेकिन छोटा है। और अभी क्लोज लुक केस की तरफ, भाई केस का लुक बहुत बढ़िया है, ऊपर आपको ट्रूक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और एकदम मिरर टाइप का ग्लॉसी ब्लू कलर का फिनिश उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम और एक क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई लुक में बहुत ज्यादा बढ़िया है, ऊपर के साइड है ग्लॉसी कलर और नीचे के साइड है एकदम मैट ब्लू कलर का फिनिश। ऊपर के साइड जो आप ग्लॉसी कलर देख रहे हो, यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल कलर देखने को मिल रहा है जो कि समय के साथ उतर जाएगा, लेकिन नीचे जो ब्लू कलर है ये इसका रियल कलर है, इसका कलर नहीं उतरेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा मैट ब्लू कलर। और आप केस का सराउंडिंग देख सकते हो काफी बढ़िया है, नीचे के साइड है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और पीछे के साइड इलेक्ट्रॉनिक हॉलमार्क को प्रिंट कर रखा है। और केस का ऑल ओवर लुक एंड शेप देखा जाए तो भाई काफी ज्यादा छोटा एंड कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है जिस वजह से जींस के साइड पॉकेट में इजीली एडजस्ट हो जाएगा। और इसके कैप का मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी एवरेज है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है, एकदम लूज भी नहीं है, जिस वजह से पूरी तरह से वन हैंड यूजेबल है ये प्रोडक्ट। आप इजीली एक हाथ से केस खोल सकते हो, बर्ड्स निकाल सकते हो, बर्ड्स को दोबारा अंदर रख सकते हो। और केस खोलने के बाद जो लुक है ना भाई, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, कमाल लग रहा है देखने में, स्पेशली इसका ट्रूक का ब्रांडिंग मस्त लग रहा है। और अभी क्लोज लुक बर्ड्स की तरफ, सुबह बर्ड्स का लुक भी काफी अच्छा है, ऊपर आपको ट्रूक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और एकदम मिरर टाइप का ग्लॉसी ब्लू कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो कि बहुत ज्यादा रिच लुक लग रहा है, जब आप इसे कानों में पहनोगे तो कमाल लगेगा देखने में। और यहाँ पर इन्होंने डुअल माइक फिट कर रखा है, ऊपर आप एक छोटा सा होल देख रहे हो जहाँ पर लाइट जल रहा है, यहाँ पर फिट है फर्स्ट माइक, सेकंड माइक कहाँ पर है एकदम नीचे आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका सेकंड माइक। मैं इसे खोल के भी दिखाता हूँ, अभी आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर फिट है फर्स्ट माइक, नीचे यहाँ पर फिट है इसका सेकंड माइक। ट्रिपल माइक बोला है लेकिन भाई दिया नहीं है, पूरा फ्रॉड झूठ बोल रखा है इन्होंने। और बर्ड्स का ऑल ओवर लुक एंड डिजाइन काफी अच्छा है, लेकिन आगे की साइड है ग्लॉसी कलर और पीछे का साइड है मैट ब्लू कलर, लुक्स में बहुत सही है, लुक्स में काफी प्रीमियम बनाया है। ट्रूक बर्ड्स क्लैरिटी 5 का फंक्शन देखा जाए तो सिंगल टच से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो, कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको 2 सेकंड लॉन्ग टच करना पड़ेगा, वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए आपको डबल टच करना है दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे, 3 इक्यू मोड में स्विच करने के लिए आपको 4 सेकंड लॉन्ग टच करना है, नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको 2 सेकंड लॉन्ग टच करना है, वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स आपको बर्ड्स में नहीं मिल रहा है, आपको अपना डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि बर्ड्स है इसके अंदर, और उल्टा करके अगर आप झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता है, लेकिन भाई ऐसा फील होता है कि गिरने वाला है, बहुत ज्यादा टाइट तरीके से फिट नहीं बैठता, मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। अभी सुनते बजता है क्या, बज रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स कुछ खास स्ट्रांग नहीं है इसलिए बज रहा है।
और अगर इसके फील एंड कंफर्ट के बारे में बात करें तो भाई इसका फील एंड कंफर्ट ठीक ठीक है, पूरा दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके कानों में किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा। और इसका टच का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, कभी भी मिस आउट नहीं करता। और जहां पर इन्होंने टच को प्लेस कर रखा है ना भाई, यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया लगा। और आप इसे पहन के जिम करो, रनिंग करो, कानों से नहीं गिरता है, लेकिन भाई तेज रनिंग नहीं करना है, तब जरूर आपके कानों से गिर जाएगा। और बर्ड्स का नॉइस कैंसलेशन भी काफी अच्छा है, सराउंडिंग के नॉइस को 50% रिड्यूस कर देता है, जब आप सॉन्ग नहीं भी चलाओगे तब की बात कर रहा हूँ। तो भाई बर्ड्स का नॉइस कैंसलेशन बहुत ज्यादा बढ़िया। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसका साउंड एक्सपीरियंस भी आपको काफी बढ़िया सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इसका वोकल्स एकदम रियल एंड क्लियर है, बोले तो जैसा आवाज है इंसान का वैसा ही आवाज ही आपको डिलीवर करेगा। और ट्रिबल छनकार भी आपको इसमें बैलेंस सुनने को मिल रहा है, ट्रिबल काफी अच्छा। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको काफी अच्छा हाई पावर बूम पंची बेस सुनने को मिल रहा है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा हाई पावर नहीं है, बैलेंस है, थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बेस को मैं 10 में से 7 स्टार दूंगा। इन्होंने 3 मोड प्रोवाइड तो कर रखा है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, हल्का सा अप डाउन का डिफरेंस है जो इन्होंने 3 EQ मोड प्रोवाइड कर रखा है। तो अभी गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं, और इसमें कोई गेम मोड का फीचर्स नहीं है, इसका गेम मोड हमेशा ऑन ही रहता है। सो दोस्तों, ट्रूक है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है, तो चलिए लोड रन से टेस्ट कर लेते हैं। और पिंग कितने का रहा है? अप्रॉक्स 70 का पिंग का रहा है, तो अभी चेक कर लेते हैं दोस्तों। अभी स्लो मोशन में देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस तो मुझे कुछ खास इंप्रेसिव लगा नहीं। इन्होंने बोला है 35 मिलीसेकंड्स लो लेटेंसी, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, 35 मिलीसेकंड्स तो जरा सा भी नहीं, गेमिंग परफॉर्मेंस बर्बाद है इसका। तो चलिए अभी कॉलिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो दोस्तों, ट्रूक बर्ड्स क्लैरिटी 5 है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है। वैसे इसमें आपको 6 माइक देखने को मिल रहा है, और वो भी ENC नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो अभी आप सुनो कि आवाज को कैसा ग्रैप कर रहा है, बहुत ज्यादा लाउड ग्रैप कर रहा है, क्लियर ग्रैप कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको। और अभी एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसलेशन टेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी आप सुनो कि इस नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा है कि नहीं। अगर इस नॉइस को रिड्यूस कर रहा है, मतलब है सीलिंग फैन की आवाज को, टेबल फैन की आवाज को, या फिर थोड़े बहुत ट्रैफिक के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है। और अभी आप सुनो कि अगर नॉइस सामने आएगा, तब कैसा माइक प्रोवाइड करेगा। बाइक राइडिंग के टाइम सांस लेने को ऐसा ही आवाज देगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। और दोस्तों, ये जो हेडफोन है बहुत ही ज्यादा हैवी नॉइस करता है। तो बस दोस्तों, इसमें से आप सुनकर बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। और दोस्तों, ये जो हेडफोन है बहुत ही ज्यादा हैवी नॉइस करता है। तो बस दोस्तों, इसमें से आप सुनकर बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ट्रूक का माइक एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैप कर रहा है, इंडोर में और आउटडोर के लिए भी बेस्ट है ये, आवाज में से नॉइस को पूरी तरह से हटा दे रहा है, नॉइस कैंसलेशन काफी अच्छा है। इन्होंने 6 माइक है बोला तो है, झूठ बोल दिया, लेकिन भाई फिर भी माइक एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, नॉइस कैंसलेशन काफी अच्छा है। जैसे कि आपने सुना, हैवी नॉइस में नॉइस तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ वोकल्स भी सामने वाले को एकदम क्लियर डिलीवर कर रहा है। तो भाई और क्या चाहिए, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अगर ये 999 का हो तो आप ले सकते हो, लेकिन 1200 अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा महंगा है, बाकी भाई मर्जी है आपकी। बैटरी परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसके बर्ड्स में है 40mAh का बैटरी, और इसके केस में है 500mAh का लार्ज बैटरी, और इसका बर्ड्स आपको 100% वॉल्यूम में इजीली 5 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर देगा। और इसके केस के हिसाब से आप इसके बर्ड्स को 4x 0 to 100 चार्ज कर सकते हो, तो 5+20 टोटल 25 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 100% वॉल्यूम में, और 50% वॉल्यूम में इजीली 50-60 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, 80 आवर्स इन्होंने बोला है, लेकिन उतना नहीं देगा, उसके लिए आपको 30% वॉल्यूम में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसका चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा कम है, बोले तो भाई बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, फास्ट चार्जिंग है, सिर्फ 90 मिनट में ये फुली चार्ज हो जाता है 10 वॉट चार्जर से। और मेरी भी आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप 10 टू 15 वॉट चार्जर का ही इस्तेमाल करो, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ।